नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के बारे में। इसमें आप लोगों को जो भी आज की जो अपडेटेड न्यूज है, यानी कि 19 अप्रैल 2022 की जो भी अपडेटेड न्यूज है, आप लोग इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग ये बता दें कि आज की जो अपडेट होने वाली है बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, चाहे रिजल्ट से रिलेटेड हो, चाहे एडमिशन से रिलेटेड हो, चाहे PhD से रिलेटेड हो। बहुत सारे अपडेट यहाँ पर निकल कर आई है इन्वेस्टर द्वारा, तो सभी चीज़ों के बारे में, चाहे टेस्ट एग्जामिनेशन के बारे में हो, सभी चीज़ें यहाँ पर आप लोग को अपडेट देने वाले हैं। तो आप वीडियो में बने रहिए। तो चलिए आप लोग को जो देखिए आप लोग हम बताते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें, आप लोग यहां पर अंडर ग्रेजुएट में एडमिशन आप लोग का स्टार्ट हो चुका है और यहां पर आप लोग को ऑनलाइन लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। आप लोग को बताना चाहेंगे, इसमें अंडर ग्रेजुएट में साथ में LLM में एडमिशन के लिए आप लोग यहाँ से आकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और किस प्रकार से करना है आप लोग को, आगे शाम को एक नया वीडियो आएगा जिसमें आप लोग बता दिया जाएगा किस प्रकार से आप लोग इसमें एडमिशन लेना है, तो आप लोग उसके लिए वेट कीजिए। अब बात कर लेते हैं आगे आप लोगों को, यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट के बाद यहाँ पर आप लोगों का बात कर लेते हैं, पार्ट वन का एडमिट कार्ड जारी किया गया। तो पार्ट वन का एडमिट कार्ड भी आप लोग यहाँ से आकर डाउनलोड कर पाओगे, UG पार्ट वन का सेशन 2023 का पार्ट वन का एडमिट कार्ड यहाँ से डाउनलोड कर पाओगे। साथ में जो पार्ट वन का एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड हो रहा है, कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका, तो उनके बारे में भी अपडेट आप लोग को देने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। साथ ही चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एमएड का फर्स्ट मेरिट लिस्ट तो जारी कर ही दिया गया है, तो आप लोग उसको जाकर चेक कर लीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ बात कर लेते हैं पैट इंटरव्यू के बारे में। तो पैट का जो इंटरव्यू आप लोग को होने वाला है 22/4/2022 को, यानी कि 22 अप्रैल को 11 बजे से आप लोग को स्टार्ट कर दी जाएगी। साथ में आप लोग को आगे भी बताने वाले हैं कि क्या क्या आप लोग को नीचे डॉक्यूमेंट भी दिया गया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आप लोग लेके जाना है। विभाग अध्यक्ष के नाम आवेदन लेके जाना है, ऑनलाइन एवं ऑफलाइन पैट आवेदन प्रपत्र प्रति, यानी कि आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भरे हैं या फिर ऑफलाइन, उससे मतलब नहीं है। अगर आप लोग किसी भी तरीके से भरे हैं तो उसका आवेदन पत्र आप लोग को ले जाना है। उसके बाद आप लोग को मैट्रिक से लेकर MA तक अंक पत्र आप लोग को लेकर जाना है। अगर आरक्षित वर्ग के हैं तो आप लोग को जाति प्रमाण पत्र ले जाना जरूरी होगा। उसके बाद फिर बात कर लेते हैं, यहाँ पर दिया गया है TNB कॉलेज भागलपुर से जो भी कैंडिडेट हैं तो उनको बताना चाहेंगे, उनका टेस्ट एग्जामिनेशन हो रहा है पार्ट टू का BA BSc का, और टेस्ट एग्जामिनेशन सेशन 2021 का। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कब से है, यहाँ पर 21 अप्रैल से लेकर 22 अप्रैल तक आप लोग की एग्जामिनेशन चलने वाली है। बात कर लेते हैं आप लोगों का मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज भागलपुर, इसकी एग्जामिनेशन है टेस्ट एग्जामिनेशन 11 मई से लेकर 12 मई तक। उसके बाद फिर बात कर लेते हैं पैट से रिलेटेड, जैसा कि हमने बताया कि आप लोगों के लिए एक अपडेट आया है, आप लोग के टेलीग्राम चैनल पर हम डाल देंगे, आप लोग यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, वहाँ से जाकर आप लोग पढ़ लीजिएगा। सारी अपडेट यहाँ पर दिया गया है क्या क्या कैसे होगा, और आप लोग बताना चाहेंगे इसको पढ़ने के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर दिया गया विश्वविद्यालय के PhD कोर्स से मेथोलॉजी की कक्षाएँ सभी स्नातक और PG एवं दिनांक 27 अप्रैल से आरम्भ हो जाएगी, यानी कि जो मेथोलॉजी कोर्स है उसकी क्लासेस जो है यहाँ पर 27 अप्रैल से स्टार्ट कर दी जाएगी। उसके बाद नीचे दिया गया है कि परीक्षा विभाग द्वारा सभी विभागों के विभागाध्यक्ष को रिजल्ट से संबंधित सभी प्रक्रियाएं दिनांक 25 अप्रैल 2022 तक पूर्ण करने हेतु निर्देशित किया गया, यानी कि परीक्षा रिलेटेड जो भी रिजल्ट से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं जल्द से जल्द यहां पर जारी किया जाएगा। और साथ में यहां पर दिया गया है कि परीक्षा पास नहीं कर पाए छात्र छात्राओं को दोनों पेपर में 8 अंक देकर संशोधित रिजल्ट PG विभागों में भेज दिया गया, यानी कि जो कैंडिडेट पास आउट नहीं हुए थे और जिनका 8-10 अंक से जो पीछे थे उनको रिजल्ट फिर से दे दिया गया है, यहाँ पर दे दिया गया है। उसके बाद फिर आप लोगों को दिया गया है कि संबंधित छात्र छात्राएं स्नातक को यानी कि PG से रिजल्ट प्राप्त करें, यानी कि यहाँ पर आप लोग को कहा जा रहा है कि जो भी कैंडिडेट हैं वो पैट रिजल्ट से संबंधित अन्य सभी सूचनाएं TMU नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप लोग नीचे जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग को दिया गया है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर मसवारी कॉलेज भागलपुर, इसमें आप लोगों को दिया गया है द क्लासेस ऑफ MCOM सेमेस्टर 3 सेशन 2021 विल बी स्टार्टेड फ्रॉम 13/4 से लेकर आप लोगों को स्टार्ट कर दिया गया है। और जो भी कैंडिडेट अगर इसमें इसकी एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो 75% मार्क्स होना चाहिए इसमें अटेंडेंस का, तो आप लोग क्लास जरूर कीजिएगा, नहीं तो आप लोग की एग्जामिनेशन फॉर्म भरने में दिक्कत आ सकती हो। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर TMU के द्वारा यहाँ पर एक लिखित नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें आप लोग को कहा गया द स्टूडेंट ऑफ BCOM पार्ट 2 सेशन 2020
21 एंड यहाँ पर फिर द ओनर्स बीइंग इन्फॉर्म डेट देयर सेंटअप एग्जामिनेशन, सेंटअप एग्जामिनेशन से रिलेटेड यहाँ पर देयर कंडक्टेड ऑन 20 अप्रैल से लेके वेडनेसडे, यानी वेडनेसडे को आप लोगों को साथ में यहाँ पर आप लोगों को पेपर के बारे में दिया है, अकाउंटेड और कंपलसरी पेपर, फिर पेपर टू, पेपर थ्री, पेपर फोर, ये सभी पेपर्स का एग्जामिनेशन से रिलेटेड चीज़ें अपडेट दे दी गई है। उसके बाद फिर आप लोगों को दिया गया है TNB कॉलेज भागलपुर, इसमें आप लोग बताना चाहेंगे जो भी कैंडिडेट है जिनका हॉस्टल है, यहाँ पर दिया गया है कि TNB कॉलेज में उत्तीर्ण पार्ट टू में गए सभी छात्रावास आदिवासियों को हॉस्टल फीस काउंटर नंबर 4 पर आप लोग को जमा करना है। और अगर यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग को देखा हॉस्टल फीस रिसिप्ट साथ लाएँ, ID कार्ड पार्ट 1 का साथ में लेकर जाना होगा, यानी कि आप लोगों को जाकर पार्ट टू का फीस जमा कर देना होगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर दिया गया सत्र 2020-23 के 22 छात्राएं जो प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाए हैं, उनको हम बता ही चुके हैं कि आप लोगों को एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया, तो आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप लोग को दिया गया भागलपुर नेशनल कॉलेज, इसमें भी टेस्ट एग्जामिनेशन BA BSc BCom के पार्ट 1 का सेंटअप एग्जामिनेशन आप लोगों को यहाँ पर डेट जारी कर दिया गया, 20 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल तक चलने वाली है। अब बात कर लेते हैं महादेव सिंह कॉलेज भागलपुर, इसकी भी आप लोगों का BA BSc BCom के पार्ट 1 टेस्ट एग्जामिनेशन का डेट जारी किया गया है, जिसमें आप लोगों को 11 अप्रैल से, यहाँ पर देख सकते हैं 11 अप्रैल से दिया गया है डेट, सॉरी 11 मई से लेकर आप लोगों को 12 मई 13 मई तक आप लोगों को चलने वाली है इसकी एग्जामिनेशन। और इस तरह से आप लोगों का दिया गया सभी चीज़ें आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा देंगे, आप लोग जाकर वहां पर देख पाओगे, हमने अपडेट दे दिया गया है क्या क्या चीज़ें अपडेट आई है, सभी चीज़ें आप लोग हमने बता दिया है। तो चलिए वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, साथ ही चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।